तहत लालगंज इलाके में आरोपी ने पत्नी से अवैध संबंध रखने के संदेह में मित्र पर ही जानलेवा हमला बोल दिया। आरोपी पांगेपुरा लालगंज निवासी सीताराम मूलचंद साहू बताया जा रहा है। फिलहाल शांतिनगर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। शांतिनगर थाने के तहत लालगंज इलाके में आरोपी ने पत्नी से अवैध संबंध रखने के संदेह में मित्र पर जानलेवा हमला बोल दिया। आरोपी पांगेपुरा लालगंज निवासी सीताराम मूलचंद साहू बताया जा रहा है। आपको बता दें कि साहू की मस्का साथ निवासी निखिल धनराज गोखले से मित्रता है। निखिल का साहू के घर में आना जाना रहा, लेकिन कुछ दिनों से सीताराम साहू को पत्नी के साथ निखिल के संबंध होने का संदेह हो गया। इसके चलते गुरुवार को साहू ने निखिल को अपने घर बुलाकर पत्नी से अवैध संबंध रखने की आशंका जताते हुए दोस्ती में गद्दारी करने का आरोप लगाकर लकड़ी के डंडे से हमला बोल दिया। सीताराम मूलचंद साहू हातड़ी पार गुंड है। त्यांनी 4 तारखेला त्याचा मित्र निखिल गोखले याला ठार करण्याच्या उद्देशाने त्याच्यावर भांडणे केले होते आणि ही माहिती आम्हाला समजली की असं असं केलं आहे। त्यानुसार मग त्याला अटक केलेली आहे। 307 त्याच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे। हा पाचपावली पोलीस स्टेशन येथून तडेपारा आहे अमरावतीला गेले 25 वर्षापासून आणि काल तो आला होता। त्याला असं वाटत होतं की त्याची बायको आणि पाचपावलीचाच एक गुन्हेगार आहे निखिल गोखले याच्यावर तिचे अनैतिक संबंध आहे। त्याचा राग मनात धरून त्याला मारण्यासाठी तो आला होता। बहरहाल फरियादी की शिकायत पर शांतिनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।